हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मम्मी की टेस्टी रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं गुजिया के लिए मावा की फिलिंग, जिसे आप कसार भी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है ये कसार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक पैन लेंगे। पैन में सबसे पहले मैं 3 टेबलस्पून सूजी ऐड करूँगी। हमें यहाँ पर सूजी को रोस्ट करना है। 3 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है। अब हमें सूजी को लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, हल्का सा सुनहरी होने तक। लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर रोस्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। हाई फ्लेम पर रोस्ट करने से आपकी सूजी का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम रोस्ट करते हैं। अगर आप ये जो हम फिलिंग बना रहे हैं गुजिया के लिए, जिसे हम कसार भी बोलते हैं, अगर आप उसमें सूजी नहीं डालना चाहते तो आप बिना सूजी के भी बना सकते हैं। सूजी को स्किप कर दीजिए। देखिए सूजी हमारी हल्की सी सुनहरी होनी स्टार्ट हो गई है। 4 से 5 मिनट लग गए हैं मुझे इसे रोस्ट करने में, बस हमें इसे इतना ही रोस्ट करना था। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सारी सूजी को एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सारी सूजी को हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। सेम पैन में अब हम अपने मावे को थोड़ा सा भूनेंगे। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मावा लिया है, ये होममेड मावा है। इसे हम इस तरह से क्रम्बल करके इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट मावा है। ये मेरा घर पर ही बनाया हुआ मावा है। दूध से मावा कैसे बनाया जाता है उसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इंस्टेंट मावा 4 मिनट में आप कैसे तैयार करें उसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हमें मावा को भी 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हल्का सा भूनना है, जिससे इसका सारा कच्चापन निकल जाए। मावे को इस तरह से भूनकर डालने से इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे। मावे को इस तरह से डालने से हमारी गुजिया की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमारा ये जो हम कसार बना रहे हैं ना गुजिया में फिलिंग के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। काफ़ी लंबे समय तक हमारी गुजिया एकदम बढ़िया बनी रहती है। बढ़िया सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। मावा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मावा को एक बाउल में निकाल लेते हैं। मावा को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर आपने मावा को ज़्यादा भून लिया तो क्या होगा, आपका मावा हार्ड हो जाएगा और हमारी स्टफिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मावा 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह से भुन जाता है। आइए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी हम मावे में कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करेंगे, पहले इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें अपने बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। देखिए मावा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये इस तरह से हो जाता है। अब ये हमारा मावा बिल्कुल ठंडा है। आइए अब इसमें अपने और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। जो हमने अपनी सूजी रोस्ट की थी ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करूँगी, बारीक कटे हुए बादाम 2 चम्मच भर के मैं इसमें बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ, बारीक कटे हुए काजू 2 चम्मच मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से कोई भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ पिस्ता 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड किया है। 1 टेबलस्पून किशमिश, किशमिश हम थोड़ी कम ही डालेंगे क्योंकि अगर किशमिश हमने ज़्यादा डाल दी तो हमारी गुजिया फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप चीनी। चीनी को हम मावा ठंडा हो जाता है उसके बाद ही डालते हैं। अगर गरम गरम मावा में डाल दी तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है हमारा मावा, इसलिए जब मावा ठंडा होता है उसके बाद ही हम इसमें चीनी ऐड करते हैं। चीनी को ग्राइंडिंग जार में डालकर एक बार चला लीजिए, इस तरह की आपकी पिसी हुई चीनी रेडी हो जाएगी। इसे मिला लेते हैं। अब सभी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें सभी चीज़ों को मिला लेना है। सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिल गई है, रेडी है। ये इतनी टेस्टी फीलिंग होती है कि इसे आप ऐसे ही खा जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।